आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क एंड एनर्जी। दोनों सेम होते हैं, याद रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए। वर्क और एनर्जी दोनों सेम ही होते हैं। भैया, एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। जो भी काम करते हैं आप, कितना काम कर रहे हैं, वो होता है एनर्जी, जो आपकी बॉडी की कैपेसिटी होती है। क्योंकि हमेशा आपका वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। भैया, आप उठे, किचन तक गए, आपने काम किया, तो आपका वो जो काम है, जब आप उठ के किचन में गए हैं, तो इस बीच जो आपने काम किया, पैरों ने काम किया ना, आपकी बॉडी ने काम किया, वो पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जब भी फोर्स अप्लाई होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क होगा, वो हमेशा एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आइंस्टीन बाबा ने यही बताया था ना कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट सिंपली कन्वर्ट्स। वो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट होती रहती है, बदलती रहती है। जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, तो आपके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। बैठे हैं ना, रेस्ट पे हैं। जब रेस्ट पे बॉडी होती है, तो एनर्जी स्टोर्ड होती है, और उसको कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप उठ के किचन में गए, आपने मोशन किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। पंखा रेस्ट पे है, जब स्विच ऑन किया तो चलने लगा, पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है, जब आप माइक पे बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो मेरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो रही है? क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रिकल है ना, साउंड एनर्जी। तो हमेशा एनर्जी का कन्वर्जन होता रहता है, समझ रहे हैं ना, हमेशा एनर्जी का कन्वर्जन होता रहता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी में किस तरीके से एनर्जी कन्वर्ट होती है, क्या कन्वर्ट होता है? पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपको बताना है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। फिजिक्स के लेक्चर दोस्तों जारी हैं, ज्योग्राफी के भी लेक्चर पैरेलली कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि फिजिक्स और ज्योग्राफी के एक साथ एक दिन लेके आए, लेकिन ऐसा हो रहा है कि फिजिक्स का एक दिन आ रहा है और ज्योग्राफी का एक दिन आ रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत माफी मांगना चाहता हूं, थोड़ा सा अभी आपको एडजस्ट करना होगा। आएगा जरूर डेली एक लेक्चर, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे ज्योग्राफी का हो, लेकिन हम इसको बिल्कुल एडजस्ट कर देंगे कि दोनों ही लेक्चर एक ही दिन है। और उसके बाद तो अभी मैंने बताया ही था कि मार्च के फर्स्ट वीक या फरवरी के लास्ट वीक से इकोनॉमिक और पॉलिटी के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, वो राशि मैम लेंगी, वो मैंने आपको पूरी अपडेट दी थी। हमारी जो वेबसाइट है studyglows.com, दोस्तों इस पर कुछ टेक्निकल इश्यू, हम पीडीएफ अपलोड नहीं कर पा रहे, बहुत जल्दी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिलहाल हम आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। वर्क क्या होता है दोस्तों? व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन एवर अ फोर्स इज अप्लाइड, द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड एंड द वर्क इज डन। सिंपल, कभी भी कोई भी फोर्स अप्लाई होगी और अगर बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्क डन हुआ, वर्क हुआ, काम हुआ। बहुत आसान है दोस्तों, पूरी दुनिया में वर्क हो रहा है, पूरी दुनिया में। अभी भी मैं बोल रहा हूं ना, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यह भी वर्क है। कभी भी अगर फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स से अगर डिस्प्लेसमेंट होगी तो वर्क डन होता है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना आपको, कि आपने फोर्स अप्लाई की, आप उठे, आप किचन तक गए, तो आपने काम किया है कि नहीं? तो ये चीज है, एरोप्लेन चल रहा है, फोर्स अप्लाई हो रही है, एरोप्लेन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क हो रहा है, और ये वर्क अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। हर चीज से एनर्जी निकल रही है, हर चीज से एनर्जी निकल रही है दोस्तों, ये तो सभी को पता है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब वर्क या तो पॉजिटिव होता है, या तो जीरो होता है, या फिर नेगेटिव होता है। ये कैसे हम डिसाइड करते हैं? ये हम डिसाइड करते हैं, ये जो आपको एंगल दिख रहा है ना, कॉस थीटा, इससे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है, आपको पता ही है, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होते हैं, मेन बता रहा हूं, वैसे तो छह होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट, टेन थीटा। क्यों, किस में होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, एंगल पे डिपेंड करता है वैसे, और ये बेस है, ठीक है। तो इन तीनों का रेशियो ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो है वो देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी को ही पता है इतना। तो अब आप देखिए, ये जो फॉर्मूला है W इक्वल टू वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस, ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मैंने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पे पूरा एक सेशन लिया है, आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं।
और देखने के बाद मुझे बताइए कि वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है वो होता है थीटा, यानी कि कॉस थीटा, याद रखिएगा, ठीक है ना। वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है, वैसे हमेशा अगर किसी भी क्वांटिटी में आपको एंगल दिखे तो याद रखिएगा वो दो क्वांटिटी के बीच में ही होता है। चलिए हम ट्रायंगल बना के समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये हमने ट्रायंगल बना दिया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये आपकी फोर्स है, ठीक है, ये थीटा है। तो भैया कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सिंपल सी बात है भैया, आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका वर्क डन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बन रहा है वो कॉस थीटा बन रहा है। और मैंने आपको अभी बताया था कि या तो वर्क वन होगा या जीरो होगा या माइनस वन होगा, मतलब या पॉजिटिव या कुछ नहीं या माइनस में जाएगा। तो भैया ये किस पे डिपेंड करता है, ये एंगल पे डिपेंड करता है कि कौन से एंगल पे वर्क हुआ है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आपको पता ही है कि कॉस मैक्सिमम कब होता है, जब कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री पे आपको 1 मिलेगा और कॉस 90 पे आपको 0 मिलेगा, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू है। मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है, और मिनिमम वर्क कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए। एंगल्स की वैल्यू है भैया, ये दुनिया बाइनरी है, या तो 0 या 1, या सुख या दुख, सब कुछ कुछ नहीं। तो सब कुछ बाइनरी है भैया, याद रखिएगा, इन बिटवीन कुछ नहीं है इस दुनिया में। अब अगर हम बात करते हैं केसेस की, तो हम देख लेते हैं। वैसे अभी हम इसको पूरा, इसका जो वर्क और एनर्जी का है, पूरा डाइसेक्शन करेंगे। अभी आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत सारी चीजें समझेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। आइंस्टीन का लॉ समझेंगे, ठीक है, जो आइंस्टीन ने एनर्जी को लेके बोला था, एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है वो सब समझेंगे। लेकिन ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो बेसिक्स तो आपको कम से कम पता होने ही चाहिए, और मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब जीरो वर्क कब होगा दोस्तों, जब अभी मैंने आपको बताया कॉस क्या होगा, 90 डिग्री। देखिए दोस्तों, ये नंबर लाइन सिस्टम होता है, ये जीरो होता है ओरिजिन जहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हम इधर जाएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब जीरो से ऊपर की वैल्यू 0.1 प्लस होगा, 0.2 प्लस होगा, 1 2 3 4, जीरो से ज्यादा की जितनी भी वैल्यू है वो प्लस होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो से कम वैल्यू होंगी माइनस, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम जीरो से कम करते जाए वैल्यू, ठीक है, जीरो माइनस 0.9 माइनस 0.8, तो वो कम होती जाएंगी। इसका मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू सब पॉजिटिव और जीरो से छोटी वैल्यू सब नेगेटिव, यानी कि अगर जो एंगल है वो इस तरीके से वेरी हो रहा है कि जो हमको वैल्यू मिल रही है वो जीरो से ज्यादा मिल रही है, तो भैया क्या होगा, हमेशा याद रखना पॉजिटिव, और जीरो से कम तो नेगेटिव। अब आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकल बताइए, बिल्कुल हम बताते हैं। पहले पॉजिटिव वर्क से शुरुआत करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे भी आते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल है, पहले पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं। प्लस वर्क सबसे आसान, प्लस कब होगा, जब जीरो से ज्यादा वैल्यू मिलेगी, समझ रहे ना, जब थीटा मतलब कॉस थीटा आपका किससे ग्रेटर होगा, 0 डिग्री से, ये समझ गए आप, ये एंगल है याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 0 डिग्री पे 1 होता है, तो थीटा आपका 0 डिग्री से जैसे ही मैक्सिमम होगा आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू। बहुत बहुत सारे एग्जांपल है दोस्तों इस दुनिया में, मतलब जो भी हो रहा है वो पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल है। जैसे ट्रेन ट्रेन जा रही है, अब ट्रेन जो है वो फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है, ट्रेन डिस्प्लेस हो रही है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सामने, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम डायरेक्शन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो एंगल बन रहा है भैया दोनों के बीच में, ये क्या है, ये जीरो से ज्यादा है ना, आप समझे कि नहीं, जीरो से ज्यादा है, ठीक है, और 90 डिग्री से कम है, याद रखिएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए एक चीज मैं फिर से बता देता हूं कि हो सकता है कि आगे जाके कंफ्यूजन हो जाए। देखिए आप यहां पे एंगल्स के टर्म्स में चीजों को समझिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो, ठीक है, ये बात समझ गए, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1, ठीक है।
अब देखिए ये नंबर लाइन यहां से बनाइए, समझ गए? कॉस 90 डिग्री से अगर हमको ज्यादा वैल्यू मिलेगी और 180 डिग्री तक मिलेगी तो ये नेगेटिव वर्क होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जीरो, जीरो से उल्टा जा रहे हैं। कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री तक पॉजिटिव होगी, ये आप समझे कि नहीं? वन से जीरो, जीरो से वन तक सब कुछ पॉजिटिव होगा, उसके बाद जीरो से कम होना शुरू हो जाएगा ना, ये चीज समझे कि नहीं? देखिए ये वन है, ये जीरो है, यहां पे 90, यहां पे जीरो डिग्री है कॉस, और ये 90 डिग्री है, और इसके बाद अब एंगल बढ़ाते जाएंगे तो जीरो से कम होना शुरू हो जाएगा ना, ये समझे कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब आपका एंगल जीरो डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, समझे कि नहीं? जैसे ही 90 डिग्री से आगे बढ़ने लगेगा आपका वर्क नेगेटिव में चला जाएगा। इसका मतलब सिंपल सी चीज है, जब भी जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में लगेगी, तब आपका पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए ये अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो ये 90 डिग्री है, इसके नीचे जो भी ग्राफ बनेगा वो पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? ये 90 डिग्री है, इसके बीच में, इसके इधर साइड, लेफ्ट राइट साइड जो भी ग्राफ बनेगा वो पूरा का पूरा पॉजिटिव में वर्क होगा। जैसा अभी मैंने बताया कि ट्रेन जा रही है एक डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? आप उठे, आप किचन में गए, तो जब आप उठ के किचन में गए तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो आपका वर्क क्या है? एंगल कम होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। बस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सारी बस का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। बस में अगर आप जा रहे हैं तो बस का फोर्स क्या है? बस का वर्क, वर्क क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बस की फोर्स एक डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी एक डायरेक्शन में, ठीक है? ऐसे ही जब हॉर्स, बग्गी होती है ना, बग्गियां, तो जब भी एक हॉर्स कार्ट को खींचता है, घोड़ा बग्गी को खींचता है, तो भैया फोर्स भी एक डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी एक डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम हुआ, पॉजिटिव वर्क। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव वर्क क्या होता है दोस्तों? अभी मैंने बताया जब 90 डिग्री से ज्यादा हो एंगल और ये पूरा 180 डिग्री तक जाए, ठीक है? आप समझ गए कि नहीं? छोड़िए, अच्छा 180 डिग्री छोड़िए, बस 90 डिग्री से ज्यादा हो, क्योंकि कॉस 90 डिग्री क्या होता है? जीरो डिग्री, और जीरो से भैया कम फिर माइनस में शुरू हो जाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं? अब बहुत आसान है दोस्तों, जो रिएक्शन फोर्स होती है, रिएक्शनरी फोर्स होती है, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होगा, अलग दिशा में दोनों होंगे, तब नेगेटिव वर्क होगा। कोई दिक्कत नहीं है? एग्जाम्पल, भैया ब्रेक लगा दो ना। जो न्यूटन बाबा ने बोला कि भैया थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू द ऑपोजिट रिएक्शन। बस में आप जा रहे हैं, बस का तो पॉजिटिव वर्क है, लेकिन जब ब्रेक लगी, फोर्स आगे है और आपका डिस्प्लेसमेंट पीछे है, आप पीछे की तरफ जाते हैं कि नहीं एकदम से? समझे कि नहीं? इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सिंपल सी चीज है, क्या होगा? नेगेटिव वर्क, क्योंकि एंगल इस तरीके से होगा, ये 90 डिग्री है और एंगल जो है बढ़ता जाएगा 90 डिग्री से, यानी कि वर्क जो है वो नेगेटिव होता जाएगा। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं, होनी तो नहीं चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स, हम मैंने फ्रिक्शन का पूरा एक चैप्टर लिया है, जो फोर्स रोकती हैं, ठीक है, रिएक्शनरी फोर्स है वो नेगेटिव में होंगी। समझ रहे कि नहीं? कि मान लीजिए कि एक बॉडी है, उसको आप किसी रफ सरफेस पे, खुरदुरे सरफेस पे, ऐसे कोई भी बॉडी उसको खींचते हुए ले जा रहे हैं, तो ये आपकी फोर्स क्या है? इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि रोक रही है ना, ये जो खुरदुरा सरफेस है उसको रोक रहा है, इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो ऑपोजिट, तो ये क्या हुआ? नेगेटिव वर्क हुआ। समझ रहे हैं? सबसे बेहतरीन, बॉल को ऊपर फेंकिए, बॉल को ऊपर फेंकिए, बॉल ऊपर जा रही है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स आपने ऊपर की तरफ लगाई, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर की तरफ हुआ, लेकिन अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको नीचे खींचती है, तो ये क्या हुआ? नेगेटिव वर्क। सिंपल सी चीज है, समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। जीरो वर्क क्या होता है दोस्तों? जब एंगल जो हो वो 90 डिग्री हो, मैं यहां पे बता देता हूं, जब एंगल जो हो वो दोनों के बीच में 90 डिग्री हो, फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है? जीरो।
इसके टेक्निकल एग्जाम्पल से आपने पेंडुलम देखा होगा, ठीक है? पेंडुलम देखा है कि नहीं? सभी ने देखा है। ये पेंडुलम होता है, स्ट्रिंग होती है, तो ये जो पूरा मोशन होता है इसमें फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है? तो सर्कुलर मोशन में वर्क डन क्या होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि भैया डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है ना। वर्क डन कब जीरो होगा? जब या तो फोर्स जीरो हो या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि चेंज इन पोजिशन, चेंज इन डिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए कि अर्थ कोई भी इंसान है सर्कल में घूमा और वापस इसी पोजिशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? जीरो हुआ। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क जीरो, तो जीरो वर्क का एग्जाम्पल है। एसआई यूनिट की बात करें दोस्तों, तो जो वर्क का यूनिट होता है वो होता है जूल, ठीक है? याद रखिएगा। और 1 जूल जो होता है वो 10^7 अर्ग्स के इक्वल होता है। याद रखिएगा, ये जो जूल है ये एसआई यूनिट है। अब यूनिट्स मैंने सब कवर किया है, तो दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप देख लीजिएगा। सीजी एमकेएस में जूल, सीजीएस में इस तरीके से। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? आया ही होगा, ठीक है? बिल्कुल आया होगा, इसमें एज सच कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर दे, मैं बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है लोगों को पता कि कैसे आ गया जूल, कैसे आ गया। तो वर्क का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का जो यूनिट होता है क्या होता है, याद है कि भूल गए? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर वर्क की क्या हो गई? आपकी यूनिट हो गई। डायमेंशनल एनालिसिस की बात करें तो ML²T-2 मास, लेंथ और टाइम होता है, ठीक है? डायमेंशनल एनालिसिस मैंने बहुत ज्यादा डायमेंशंस तो बताया, डायमेंशंस क्या होते हैं आप देख लीजिएगा, एनालिसिस करना नहीं बताया, तो फिलहाल इसको छोड़िए। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब हम एनर्जी को थोड़ा सा हायर लेवल पे ले जाएंगे, ठीक है? अच्छे से समझेंगे। शेयर करिए इसको, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।